नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे कैंडी काम लोशन प्रोटेक्ट्स एंड काल्म रिएक्टिव स्किन। साथियों, कैंडी काम लोशन ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। लैक्टोकैलामाइन और कैलामाइन जो लोशन होता है सिमिलर उसी की तरह है, लेकिन ये अपग्रेड है, ये उससे और ज़्यादा इम्प्रूव क्वालिटी है और इसमें और भी इन्ग्रीडियंट मिले हुए हैं। साथियों, ये नया प्रोडक्ट है, इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी जो है फिर से मैं बना रहा हूँ। कैंडी काम लोशन, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में कि कैंडी काम लोशन है क्या, साथ ही साथ इसके यूजेस, इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, प्रिकॉशन की बात करेंगे और साथियों इसके इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, डोजेस की बात करेंगे, डायरेक्शन फॉर यूज एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे। साथियों, मार्केट में जो है 75 ग्राम का जो है इसका आता है, लेकिन हमारे पास जो है साथियों वो 50 ग्राम का है। साथियों, ये सैंपल है, फिजिशियन सैंपल है, नॉट फॉर सेल है साथियों। और मार्केट में 75 ग्राम का जो है, 75 ml का, 75 ml का जो है इस तरह से आता है। और ये जो है क्या होता है, 96 rupees का होता है। ये इसका कवर है, ये इसकी सीसी है साथियों। इस तरह से ओपन करके पिंक कलर का लोशन निकलता है। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो कैंडी काम लोशन इज ए ओवर द काउंटर जो है मेडिकेशन है। साथियों, इसमें किसी तरह की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप केमिस्ट को बोलेंगे कि कैंडी काम लोशन दे दीजिए, तुरंत आपको दे देगा। OTC आइटम है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन दैट यूज टू ट्रीट माइल्ड इचनेस। और ये साथियों क्या होता है, माइल्ड इचनेस है, किसी तरह की खुजली है, किसी तरह का विकार है, उसमें उपयोग करने वाला लोशन है। कॉल्ड प्यूराइटिस, प्यूराइटिस मतलब साथियों ये होता है कि मतलब इरिटेशन, जैसे शरीर में क्या होता है, हल्का सा जो है इचिंग होती है, खुजली होती है और सरसराहट होती है। जैसे होता है क्या, उसको कहते हैं हिंदी में जैसे सहरा रहा है, मतलब फील हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होती है। और फिर उसको धीरे धीरे लोग क्या होता है खुजलाते खुजलाते वो लाल पड़ जाता है और उससे जो है क्या होता है कि स्किन में जो है चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए बहुत अच्छा ये लोशन है। इट कैन आल्सो हेल्प ड्राई आउट ओजिंग, और जो ड्राई स्किन होती है, ओजिंग स्किन होती है, जो इरिटेशन करती है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी ये जो है लोशन है। साथियों, दिस सूथिंग पिंक लोशन, साथियों ये देखिए इस तरह का जो है पिंक लोशन होता है, ये देखिए साथियों पिंक। इसमें क्या होता है, सूथिंग मतलब होता है एक आराम देना, मतलब एक शांति प्रदान करना। अगर शरीर में कहीं भी खुजली है, स्किन में प्रॉब्लम है और इस लोशन के मतलब लगाएंगे, तुरंत जो है सूथिंग मतलब आराम, मतलब शांति मिल जाएगी, खुजली नहीं होगी, आदमी जो है परेशान नहीं होगा। जैसे कि कहीं पे आग लगी होती है, अचानक उसमें पानी डाल दो तो क्या होता है कि वो शांत हो जाता है, तो उसी तरह से इचिंग को जो है शांत कर देगा। दिस सूथिंग पिंक लोशन कैन हेल्प रिलीव दी फॉलोइंग स्किन कंडीशंस। साथियों, एक तो क्या है, रिएक्शन टू पॉइजनस प्लांट। साथियों, कहीं आप जो है गार्डन में गए हैं या कहीं बाहर गए हैं, मार्केट गए हैं या खेत में गए हैं और वहाँ पे क्या होता है, कोई पॉइजनस जैसे कटीला है, किसी तरह का जहरीला प्लांट है, उसकी पत्तियाँ आपके पैर में लग जाती हैं, हाथ में लग जाती हैं और क्या होता है इचिंग होने लगती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं। अब सच एज पॉइजनस ओक है एक तरह से, पॉइजन आइवरी है, पॉइजन सुमैक है, तो उसकी समस्या को भी ये दूर करने में लोशन इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, इंसेक्ट बाइट है, किसी तरह का जो है इंसेक्ट अगर काट लेता है जैसे कि, और जो है उसमें इसको लगाएंगे तो इचिंग नहीं होगी और आराम मिल जाएगा। चिकन पॉक्स की समस्या हो जाती है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। एंड सिंगलिस एंड समर इच ये होता है साथियों कि जैसे पानी के अंदर बहुत देर तक रहते हैं या काम करते हैं या समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 6 से 8 पैर वाले छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, अब वो हल्का सा क्या होता है कि पैरों पे मतलब रेंग भी जाते हैं तो इचिंग ऐसी होने लगती है, कट कर लेते हैं, तो उसको शांति प्रदान करता है। चिगर बाइट्स होता है एक तरह से उसमें। एंड माइनर बर्न, महिलाएं घर में क्या होता है, किचन में काम करती हैं, पुरुष काम करते हैं और हल्का सा कट हो जाता है और जो किसी कारणवश हो जाता है, सेविंग करते हैं, तो इस लोशन को लगाएंगे तुरंत आराम मिल जाएगा। तो साथियों, इससे जो है माइनर कट में भी आराम मिलेगा। साथियों, इट इज आल्सो यूज्ड मॉइस्चराइजर। साथियों, अगर कोई समस्या नहीं है फिर भी इसको लगाएंगे तो स्किन को ग्लो करेगा, साथ में ये जो है स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, तो एज ए मॉइस्चराइजर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ड्राई एंड रफ स्कैल्पी इचिंग स्किन,
ड्राई है, रफ हो गई है स्किन, किसी तरह से जो है उसको दूर करेगा। माइनर स्किन इरिटेशन है किसी कारणवश, तो उसको दूर करेगा। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताऊंगा साथियों, छोटे बच्चे हैं वो डायपर पहनते हैं, डायपर से उनके जो है क्या होता है बुटक पे जो है पिछवाड़े क्या होता है कि रेडनेस हो जाती है, और क्या होता है चकत्ते पड़ जाते हैं, रैसेस पड़ जाते हैं। उन रैसेस को दूर करने के लिए कैंडी काम लोशन बहुत अच्छा रिस्पांस है, और स्किन बर्न हो जाती है उसमें लगाने से बहुत ही आराम मिलता है। साथियों वैसे तो देखा गया है इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कभी किसी किसी पर्सन को पर्सन वैरी करता है, तो हल्की सी बर्निंग होने लगती है, रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन अगर में अगर अगर ऐसा लगे तो तुरंत इसका सेवन कर दें, अदरवाइज कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। प्रिकॉशन की बात करूंगा तो बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट टेल योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट इफ़ यू आर एलर्जिक ऑफ एनी इंग्रेडियंट इन द प्रोडक्ट। इसमें साथियों जो भी इंग्रेडिएंट मिले हैं, ये देखिए साथियों इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट मिले हैं, इससे अगर आपको कभी एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम है तो इसका तुरंत जो है यूज बंद कर दें साथियों। तो इसलिए जो है मतलब इसका प्रिकॉशन है साथियों, ताकि और इसको कभी भी फर्स्ट टाइम लगाएं तो स्किन पे लगा के देखें कोई रेडनेस या इस तरह से नहीं आती, तभी इस्तेमाल करें, अदरवाइज किसी को ज़्यादातर होता नहीं है। साथियों इसके इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, इसमें बहुत सी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि इसमें प्योरीफाइड वाटर मिला है, लाइट लिक्विड पैराफिन मिला है, कैलामाइन मिला है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट मिला है, इसमें ग्लिसरीन मिली है, इसमें एल्युमिनियम मैग्नीशियम सैलिसिलेट मिला है, एंड इसमें जो है डाइमेथिकॉन मिला है, सिट्रिक एसिड मिला है, मिथाइल पैराबीन मिला है साथियों इसमें, और ये जो है सर इसमें क्या होता है हाइड्रोक्सी ऑक्सीट्यूलेंस इसमें एंड प्रोपाइल पैराबीन, और इसमें फ्रूट एंड लीफ के जो है एक्सट्रैक्ट इसमें मिले हैं साथियों। साथियों डोज और डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये क्या होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज होता है तो अप्लाई जेनियसली ऑन द एफेक्टेड एरिया। ये क्या होता है अप्लाई आपको करना है जहाँ पे दिक्कत है वहाँ के एरिया पे, एटलीस्ट दिन में दो बार, ट्वाइस ए डे या एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। इसको साथियों जहाँ भी दिक्कत है, जहाँ पे भी स्किन में विकार है, इसकी डोज है कि वहाँ पे इसको हाथ साफ करके उंगली पे इस तरह से लेके, हाथ में लेके वहाँ पे इसको जो है अप्लाई करना है, और जो है दिन में दो बार इसको। साथियों इसकी MRP जो है मार्केट में 96 रुपीज़ है, 75 ml का जो है लिक्विड ये आता है। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो जब भी इसको परचेज करें इसका लेबल ज़रूर पढ़ें, रीड द लेबल केयरफुल्ली, और इसकी एक्सपायरी ज़रूर करें, और इसको जब भी स्टोर मतलब घर पे रखें तो रूम टेम्परेचर पे रखें, और डू नॉट फ्रीज, और फ्रीज नहीं करना है, और जो है साथियों बच्चों की पहुँच से दूर करें, और जब भी लगाएँ तो सेक वेल बिफोर यूज, इस तरह से सेक करके तभी लगाएँ। तो साथियों किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।